छिंदवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने बालाघाट जिले के तीन आरोपियों को टाइगर की खाल और टाइगर के दो दांत के साथ तस्करी करते हुए पकड़ा है। छिंदवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की खाल को बालाघाट से छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर ले जा रहे हैं। इस दौरान एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर कुंडीपुरा थाना टीआई पूर्वा चौरसिया के साथ स्टाफ ने आरोपियों को योजनाबद्ध तरीके से खाल का खरीदार बनकर धर दबोचा। छिंदवाड़ा एसपी ने सारे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बालाघाट के हट्टी गांव का रहने वाला तीन आरोपी धनेन्द्र टेकाम परदेसी के अरविंद मरावी टाइगर का शिकार कर उसकी खाल और दांत का सौदा करने के इरादे से निकले थे, जिनसे कुंडीपुरा थाना पुलिस ने खरीदार बनकर 10 लाख में सौदा किया। पुलिस के सजाल में तीनों आरोपी फंस गए। कल पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टाइगर स्किन बाघ की त्वचा और उसके कुछ अन्य शरीर के अवशेष अंगों के साथ उसकी तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इस पूरी सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस ने इसमें तीन आरोपियों को घेराबंदी करके बाघ की त्वचा, उसके कुछ नाखून, दांत और अन्य हड्डियों के साथ उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और इसमें पुलिस को एक बाघ की त्वचा और इसकी तस्करी करने वाले आरोपियों से दो अन्य आरोपियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्होंने प्राथमिक पूछताछ में बालाघाट के जंगलों से ये बाघ का शिकार करके और इस तरह से इसको कई कई लाख रुपए में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी जा रही है। तो इस प्रकार से पुलिस को वन्य जीव संरक्षण और वन्य पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही संवेदनशील मामले में कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।